क्या KGF चैप्टर 3 का होने वाला है प्रभास की सलार से कनेक्शन? आखिर KGF चैप्टर 1 के सुपर हिट होने के बाद प्रभास ने बढ़ाई थी अपनी कितनी सैलरी? क्या है KGF चैप्टर 2 से जुड़ी वो बातें जो आप नहीं जानते होंगे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआर। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, साल 2018 में रिलीज हुई थी KGF चैप्टर 1, जिसका सीधा क्लैश हुआ था शाहरुख खान की जीरो से। उस वक्त लोगों को पता तक नहीं था कि KGF चैप्टर 1 कौन सी मूवी है, लेकिन जब इस फिल्म को लोगों ने देखा तो दीवाने हो गए और वेट करने लगे KGF चैप्टर 2 का। ये फिल्म साल 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से डिले हुई। उसके बाद साल 2021 में रिलीज होने वाली थी, नहीं हो पाई और फाइनली रिलीज हुई अप्रैल 2022 में। आपको बता दें, जब KGF चैप्टर 1 बन रही थी उसी दौरान प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 2 की 20% स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी और प्रशांत नील ने ये सोचा था अगर फर्स्ट पार्ट धमाका मचाता है तो सेकंड पार्ट को हम ग्रैंड लेवल पर रिलीज करेंगे और इसे बनाएंगे, और ये हुआ भी क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा मिला। फिल्म ने धमाकेदार कलेक्शन किया। फर्स्ट पार्ट को 80 करोड़ में बनाया गया था, जबकि सेकंड पार्ट को बनाया गया था 150 करोड़ रुपए में। जब सेकंड पार्ट बनाया गया तो नई स्टार कास्ट ऐड की गई, जिसमें संजय दत्त, रवीना टंडन, प्रकाश राज जैसे बड़े बड़े एक्टर्स थे। वहीं दोस्तों, KGF चैप्टर 1 के दौरान यश की फीस थी लगभग 4 करोड़ और सीधे KGF चैप्टर 2 बनते बनते ये फीस हो गई 35 करोड़, क्योंकि इतनी सक्सेसफुल ये फिल्म रही तो यश का फीस बढ़ाना तो लाजमी था। वहीं दोस्तों, KGF चैप्टर 2 के लिए संजय दत्त को मिले थे 7 करोड़, वहीं रवीना टंडन को मिले थे 3 करोड़ रुपए। आपको बता दें, प्रशांत नील ने इस फिल्म की एडिटिंग का भरोसा जिस पे दिया वो सभी को चौंकाने वाला था। 19 साल का लड़का उज्जवल, जो कि एक यूट्यूबर था और यूट्यूब में इसने KGF चैप्टर 1 का टीजर अपलोड किया था जो खुद से बनाया था, इसे देखकर प्रशांत नील बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने इसको चुन लिया। आपको बता दें, उज्जवल ने ही पूरी फिल्म की एडिटिंग की जो कि कमाल की निकली। इससे पहले प्रशांत नील ने 2014 में उग्रम फिल्म की थी और उनके साथ सिनेमेटोग्राफी का हाथ बताया था भवन ने। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, म्यूजिक दिया था रवि बसरू ने और ये दोनों ही लोग आज तक उनके साथ काम कर रहे हैं। 35 से 40 किलो का कैमरा उठाकर कंधे पर ये पूरी फिल्म शूट की गई थी। आपको बता दें, दोनों ही पार्ट्स में माँ बेटे का इमोशनल बॉन्ड दिखाया गया था। माँ बनी थी अर्चना जॉयस। वहीं दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि अर्चना जो है वो यश से पूरे 9 साल छोटी है, वहीं फिल्म की एक्ट्रेस श्रीनिधि से वो 2 साल छोटी है। आपको बता दें, कन्नड़ इंडस्ट्री में कदम रखा श्रीनिधि शेट्टी ने KGF चैप्टर 1 से। इससे पहले वो मिस सुपरनेचुरल रह चुकी थी और इस दौरान उन्हें पूरी 7 फिल्मों का ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो KGF चैप्टर 2 की शूट पर ही पूरा फोकस करेंगी। इसके बाद उन्होंने बाकी फिल्में साइन की। आने वाले टाइम में वो चियान विक्रम की फिल्म कोबरा में नजर आएंगी, वहीं जूनियर NTR के साथ अपना तेलुगु डेब्यू भी करेंगी। आपको बता दें, KGF चैप्टर 2 की शूटिंग हुई थी हैदराबाद, मैसूर, बेंगलोर और कोलार में। KGF रियल लोकेशंस पर शूट की गई थी और इस वक्त शूट के दौरान बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि सोने की खदानों से साइनाइड निकलता था जो कि काफ़ी जहरीला है। आज भी वो साइनाइड की चट्टाने वहाँ पर है और जब भी सांस लेते हैं तो सांस के साथ साइनाइड के कण भी आपकी बॉडी में चले जाते हैं, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था पूरे क्रू को। शूट के दौरान इन चट्टानों पर पानी फेंक दिया जाता था ताकि धूल बैठ जाए और तब जाकर फिल्म की शूटिंग की गई। आपको बता दें, KGF में एक पार्लियामेंट का शूट किया गया था जो कि बेंगलुरु के इंफोसिस कंपनी का था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि अब इंतज़ार है KGF चैप्टर 3 का। KGF चैप्टर 2 को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के अलावा ग्रीस भाषा में भी रिलीज किया गया था। इसी के साथ ये पहली फिल्म बन गई थी कन्नड़ जिसे की ग्रीस भाषा में रिलीज किया गया हो। वहीं दोस्तों, आपने यश का एक लुक नोटिस किया होगा और लुक में दोनों ही पार्ट्स में काफी चेंजेस थे। अगर हम KGF चैप्टर 1 की बात करें तो उनके हेयर स्टाइल राइट साइड से मांग वाली थी, लेकिन जब ये फिल्म बनी
तो उनका हेयर स्टाइल चेंज हो गया। केजीएफ चैप्टर 2 में आते आते ये राइट वाली मांग लेफ्ट वाली हो गई। इससे पता चलता है केजीएफ चैप्टर 1 में वो हीरो की तरह दिखाए गए थे, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 में बन गए विलन। वहीं दोस्तों उनकी कार जो कि बहुत ही शानदार थी, विंटेज कार, इसका नंबर था 8055, जो कि बॉस की तरह नजर आता है। इसके अलावा आपको बता दें संजय दत्त को फिल्म की शूटिंग के दौरान कैंसर हो गया था, और उस वक्त मेकर्स ने डिसाइड किया था कि हम संजू बाबा का बॉडी डबल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन संजय दत्त ने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी फिल्म के लिए खुद ही शूट करूंगा। वहीं दोस्तों जब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हो रही थी तो आमिर खान ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाल सिंह चड्ढा को रिलीज नहीं करेंगे। हालांकि लाल सिंह चड्ढा बाद में रिलीज हुई और तब भी फ्लॉप साबित हुई। केजीएफ चैप्टर 2 के साथ रिलीज हुई थी थालापति विजय की बीस्ट, और दोनों की तगड़ी भिड़ंत हमें देखने को मिली थी। वहीं दोस्तों ये पहली कन्नड़ फिल्म बन गई थी जिसने कि 1000 करोड़ का कलेक्शन किया, और इसने दंगल को पीछे छोड़ दिया था। अगर हम टोटल कलेक्शन की बात करें इंडिया में तो बाहुबली ने 511 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं बात करें RRR की तो इसने 421 करोड़ का कलेक्शन किया था, और KGF चैप्टर 2 ने कमाए थे लगभग 400 करोड़ रुपए और दंगल को पीछे छोड़ दिया था। वहीं दोस्तों अब आपको बता दें कि प्रशांत नील बनाने जा रहे हैं सलार को, और ये कहा जा रहा है कि KGF चैप्टर 3 सलार से इंटरकनेक्टेड होगी, यानी कि प्रभास और यश एक दूसरे की फिल्मों में नजर आ सकते हैं। तो आपको कितना इंतजार है KGF चैप्टर 3 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।